बहुत ही यशस्वी लोकप्रिय विधायक कुलदीप सेंगर जी यहाँ काफी समय से हैं। चुनाव के बाद उनका धन्यवाद करना उचित समझा तो मैं आया। उन्नाव से सांसद और अपने बयानों से विवाद का तूफान खड़ा करने वाले साक्षी महाराज किसे यशस्वी बता रहे हैं, सबसे पहले उनकी तारीफ सुनिए और जानिए कि सांसद महोदय की नजर में कौन यशस्वी है जिससे मिलने वो कालकोठरी तक पहुंच गए। साक्षी महाराज जिसे यशस्वी बता रहे हैं वो शख्स पुलिस के रिकॉर्ड में रेप का आरोपी है। उस शख्स पर उन्नाव के माखी थाने में कई केस दर्ज हैं। उस शख्स पर आईपीसी की धारा 363, 366, 376, 506 के तहत केस दर्ज हैं। उस शख्स पर पॉक्सो एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज है। यानी पुलिस के रिकॉर्ड में जो अपराधी है, बीजेपी के सांसद और खुद को साधु कहने वाले साक्षी महाराज की नज़र में वो यशस्वी है। कुलदीप सेंगर जी यहाँ काफी समय से हैं। चुनाव के बाद उनका धन्यवाद करना उचित समझा तो मैं आया। यह राजनीति की अजब गजब मजबूरी है कि जिस विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ यूपी की योगी सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, उसी विधायक से मिलने बीजेपी का सांसद जेल तक पहुंच गया। सोचिए उस शख्स का क्या रुतबा होगा जो अरसे से जेल में बंद है और उसे मिलने के लिए सांसद तक खुद जेल पहुंचते हैं। दरअसल जेल जाने से पहले तक उन्नाव में कुलदीप सिंह सेंगर की तूती बोलती थी। कुलदीप सिंह सेंगर बांगरमऊ से बीजेपी विधायक हैं। कुलदीप अब तक चार बार विधायक बन चुका है। केवल मिलने के लिए आए और कोई कारण नहीं है, केवल अब हमारे ने मुलाकात करा दी, आज छुट्टी का देने फिर मुलाकात करा दी, बड़ी बात है। जाहिर है ऐसे ताकतवर विधायक की मदद चुनाव में जरूर साक्षी महाराज ने ली होगी और इसी वजह से साक्षी महाराज जेल की चौखट तक पहुंच गए। यही राजनीति की सही तस्वीर है। भाषणों में बेशक बात शुचिता की होती है लेकिन जीत के लिए जमीन पर दाग से भी हाथ मिलाने से गुरेज नहीं, चाहे दामन पर रेप और हत्या के आरोप क्यों नहीं लगे हों। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।